मैं अपर्णा मरांडी गरम कांतो पोस्ट सिलगा थाना पेट्टा जिला गिरिडीह। मैं 2012 8 दिसंबर को एक हैदराबाद में मानव अधिकार संगठन द्वारा कार्यक्रम रखा गया था 10-11 तारीख को, तो वहाँ भाग लेने 8 दिसंबर को मैं हटिया स्टेशन गाड़ी पकड़ने के लिए गई थी। गाड़ी में भी बैठ चुकी थी पर सिविल ड्रेस में पुलिस थी, दो महिला थी और टीटी भेस में बाकी लोग आए। हम लोग ट्रेन में अपना सीट खोज चुके थे। उन लोग चढ़ने के साथ ही हम लोग को पूछा गया कि यही आप लोग का सीट है, तो हम लोग बोले हाँ जी सर हम लोग का सीट है। टिकट दिखा, टिकट मंगा, टिकट ले लिया। इसके बाद बोला चलिए नीचे उतरो, हम लोग कन्फर्म कर देंगे। हम लोग थे चार लोग, चार लोग में एक दो महिला थी, एक लड़का थे। तो वहाँ उतरने के बाद हम लोग से टिकट जांच किया किनका किनका नाम से है, वोटर आईडी कार्ड मंगा वो भी दिखाए। तो हम लोग को नहीं समझ रहा हम लोग को गिरफ्तार कर रहा है ना क्या, ये पता नहीं चला। जब यह मोबाइल हम लोग से ले लिया तब हम लोग को पता चला कि इन लोग मैंने हम लोग को गिरफ्तार कर रहा है या कुछ हम लोग के साथ हो रहा है। और पुलिस के वाहन से ही हम लोग को CRPF का कैंप ले गया, वहीं सारा चीज़ पूछा कहाँ जा रही हो, किस लिए जा रही हो। तो हम लोग बोले मानव अधिकार संगठन की ओर से 10-11 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हम लोग भाग लेने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा पति जीतन मरांडी है। जीतन मरांडी 4 साल यानी कि 5 साल होने जा रहा है उनका जेल में ही, तो उसके पति के नाते हमको इनवाइटेड किया है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। जो कार्यक्रम में हम जो हिस्सा ले रहे हैं वो बात हम बोले तो उस जगह में ये लोग बार बार पूछ रहा था आखिर तुम ही को क्यों बुला रहे हैं कार्यक्रम में, आरओ को क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो हम बोले मेरा पति जेल में है इसलिए हमको बुला रहे हैं। तो और कहा उसमें जैसे आरओ भी तो जेल में है, जैसे चोरों का है, डकैतों का है, जैसे बहुत से मर्डर केसों का है, उन लोग को क्यों नहीं बुला रहे हैं, तुम ही को क्यों जरूरी पड़ा बुलाने के लिए। तो हम बोले उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे क्यों हमको बुला रहे हैं उसके बारे में। हमको यही लिए हम यही समझती हूँ, मेरा पति जीतन मरांडी कलाकार है, लेख लिखता था, कविता बनाता था, गीत गाता है, या इसीलिए हमको बुला रहा है, जबकि वो सामाजिक कार्य करता है और जेल में डाला गया है इसलिए हमको बुला रहा होगा। तो उसके बाद फिर नाम पूछा वहाँ CRPF कैंप में ले जा करके भी नाम पूरा पूछा, तो वहीं से सिलसिलेवार फंसाने की प्रक्रिया शुरू हो गई कि नाम सबका एड्रेस नाम पता ले लिया। इसके बाद मुझे बाद में तो हम सबसे लास्ट में पूछा जा रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं शुरू में ही जो बोल मेरा नाम अपर्णा मरांडी, एड्रेस नाम पता सारा चीज़ बताए, पति का नाम बताए, इसके बाद और नाम करके उन लोग हमको पूछ रहा था। तो हम बोले मेरा नाम अपर्णा मरांडी ही है, उसके अलावा दूसरा नाम नहीं है। ये नाम दुनिया के लोगों मुझे अपर्णा मरांडी के नाम से ही जानते हैं, और मेरे गांव का मुखिया से पता कीजिए या मेरे गांव का ग्राम सभा से पता कीजिए, जा करके मेरे मायके में भी आप लोग मुखिया से पता कर सकते हैं, मायके का घर में भी आप लोग पता कर सकते हैं कि मेरा नाम एक ही नाम है अपर्णा मरांडी, इसके अलावा दूसरे नहीं है। तो उन लोग इतना हमको कहा कि तू नहीं बताना, हम लोग जानते हैं तुम्हारा नाम है संतोषिनी, तू नहीं बताती है। मुझे पता नहीं लग रही थी क्यों हमको संतोषिनी बोल रहे हैं, खास करके हमको ये लगा जो मेरा पति को जैसे जीतन मरांडी के नाम से फंसाया गया है उस रूप से हमको भी फंसाने के लिए एक प्रक्रिया इन लोग शुरू किया, ऐसा हमको महसूस हुआ। और पूरा पूरी ये हमको जानकारी मिला जब हमको वहाँ से 10 बजे रात ये महिला थाना में लाया गया, 8 तारीख को महिला थाना कुतवाली महिला थाना में महिला कोषांग में रखा गया। तो वहाँ एक FIR में लिखा हुआ था काठीकुंड दुमका और उसमें नाम लिखा हुआ था संतोषिनी मंजली। तो उसमें भी हमको पूछा कि ये वहाँ हमको सिग्नेचर करवा रहा था, तो हम वहाँ बोले मेरा नाम संतोषिनी भी नहीं है और मेरा नाम मंजली है।
तो उन लोग बोला अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो तू इस कागज में लिखो तुम्हारा नाम। तो मैं अपर्णा मरांडी लिख दी। तब उसमें वहाँ हम लोग को 8 तारीख रात, 9 तारीख सुबह से लेकर के शाम तक वहीं पर रखा, जबकि थाना में है, और जबकि वह 24 घंटा के अंदर में कोर्ट में पेश करना चाहिए, लेकिन ये हम लोग के साथ नहीं हुआ। सिर्फ लोग आ रहे थे, देख रहे थे और लौट रहे थे, और ऐसा उन लोग का हाव-भाव हो रहा था कि और आपस में बात करने के लिए जो बात कर रहा है उन लोग की, ये नक्सली गिरफ्तार, 4 नक्सली गिरफ्तार है, ऐसे करके हम लोग बोल रहे हैं, ये हम लोग सुन रहे हैं। तो उसी समय हम लोग को पता चला हम लोग को तो छोड़ेगा नहीं, तो उसी समय हमको तो नहीं छोड़ेगा, बाद में उसी समय हम बोले हमको तो नहीं छोड़ेगा, हमको किसी भी हालात में फंसाएगा ही। उन लोग मेरे साथ जो 3 साथी थे उन लोग को हम बता रहे हैं कि हम हमको तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमको सिग्नेचर करवाया और आप लोग को नहीं करवाया। सोचिए हम लोग 8 तारीख में गिरफ्तार हुए हैं, 8 तारीख 4 बजे शाम को, अब 9 तारीख 11-12 बजे खाना मिलता है, तो उसमें पूरा भूख लगा, इनको भी पूरा, मेरे साथ आलोक था वो भी रोने लगा, तो रो रहा था। तो उन लोग को बोले हम खाना ला दीजिए, नहीं तो क्या करेंगे हम, खाना ला दीजिए, हमको भूख लगता है, मेरा बच्चा रो रहा है। तो वही खाना ला दिया, आलू का चोखा। अब 10 तारीख को अचानक हमको ये रांची लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमको पेश किया, 10 तारीख लगभग वही 11 बजे सुबह। तो वहाँ पेश करने के बाद वही सिलसिला जारी रह के वहाँ से हमको दुमका ले गया। दुमका में उस दिन 10 तारीख को लगभग हम लोग 12 बजे रात वहाँ पहुँचे, दुमका माफोसिल थाना में। तो वहाँ भी हमको यही पूछा जा रहा था कि तुम लोग जो कर रहे हो, तुम बोल रही हो मैं नहीं हूँ नक्सली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ उसके बारे में, तो जो इतना कार्यक्रम में जो तुम हिस्सा ले रही हो, दिल्ली जा रही हो, हैदराबाद जा रही हो, और जगह में जो कार्यक्रम हो रही है वहाँ हिस्सा ले रही हो, तो कैसे ले रही हो तुम, नहीं बोल रही हो नहीं हो। तो हम बोले देखिए हमको सारा चीज़ व्यवस्था कर देता है, आने जाने का, खाने पीने का सारा चीज़ व्यवस्था कर देता है, मेरे पास दुख है, दर्द है, समस्या है, इसलिए उसको दर्शाने के लिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं। उसके साथ साथ हमको ये ज़बरदस्ती करवाया कि अगर तुम सच बोलो, अगर दुमका नहीं आई हो और संतोषिनी तुम्हारा नाम नहीं है, तो अपना बच्चा के माथा में कसम खिलवाया। तो हम वहाँ माथा में रख दिए आलू का माथा में, मेरा नाम संतोषिनी नहीं है, मैं दुमका कभी नहीं आई हूँ। उन लोग वहीं हमको बोल दिया कि तुम नहीं बताओगे, हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं बताती है, इसलिए तुमको जेल जाना ही होगा। तो हम बोले जो आप लोग चाहते हैं वो मैं जानती ही नहीं हूँ, तो क्या आप लोग को बताऊँगी। तो उसके साथ ही वहाँ दिन भर रखा, उस दिन के 11 तारीख को भी, आप समझिए 11 तारीख को भी मानसिक टॉर्चर, मतलब सुबह से शाम तक वही एक ही बात बार बार उन लोग पूछते रहा कि दुमका में कब आई हो। उन्हें उन लोग साबित करना चाहते थे कि हमको दुमका में ताकि मैं रह रही हूँ और मेरा नाम संतोषिनी है, उस रूप से उन लोग साबित करवाना चाह रहा था। और फोन नंबर को लेके कुछ हुआ था आपसे? हाँ, फोन नंबर को लेकर के ऐसा हुआ कि दुमका में जो वीडियो वॉलंटियर का जो सनातन मुर्मू इन लोग का नाम था, तो उन लोग का नाम ही बोल रहा था तुम बोल रही हो कि दुमका में नहीं आई हूँ, दुमका में नहीं आई हूँ, तो दुमका का नंबर तुम्हारे पास कैसे है, ये तो सारा दुमका का नंबर है सचमुच, फिर सनातन मुर्मू के उषा किसकू ने क्या इन लोग का नंबर मेरे पास था। तो हम बोले ये तो वीडियो, हम दुमका नहीं आई है लेकिन वीडियो वॉलंटियर्स का ट्रेनिंग में उपस्थित थी, उसी समय का ये मैंने दुमका का नंबर मैं लिखी हूँ। तो अंतिम में उस दिन 4 बजे हमको फिर ये दुमका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया और जेल भेजा। तो जेल भेजने के क्रम में वैसे काठीकुंड का प्रभारी था, तो वहाँ हमको कुछ नहीं लेने दिया, बच्चे का कपड़ा सहित नहीं, या बिस्किट वगैरह था वो भी नहीं अंदर करने दिया, खाने पीने का उनका खिलौना था वो भी नहीं अंदर करने दिया, और जितना भी कपड़ा लता था सारे उन लोग रख लिया। उन लोग हमको ये बताया कि वहाँ तुमको सारा चीज़ मिल जाएगा,
सबसे पहले दिन तो हमको एकदम ऐसा जगह में हमको रखा कि जेल में जाने के बाद एकदम जहाँ आदमी का लात जैसे चलते समय भी पैर से लग जाएगा उस रेप से, मैंने एकदम ये में मैंने गेट के सामने, और गेट में पर्दा भी नहीं है उसमें, और इतना मछार कि सोने भी नहीं सकेंगे, और भी उलटने पलटने के लिए भी जगह नहीं मिलता। हमको तो बहुत समस्या झेलना पड़ा, मेरे पति भी जेल में, दूसरी बात मेरे घर का लोग सब अनपढ़ है, अनपढ़ होने के चलते उसे गांव घर में रहने वाले को उतना शिक्षित नहीं है कि लड़ झगड़ कर भी हम मिलने के लिए जा पाएंगे, उस रूप से भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमको बहुत समस्या महसूस हुआ। तो वहाँ उस तरह कस्टडी में मैं 6 महीना तक बिताई, उसके बाद जेल में करके बाहर आ गई। आलोक आपके साथ था वहाँ पर, वो भी बंदीगृह में, तो कुछ बदलाव आप देखते हैं वहाँ इतना दिन रहा फिर ये था, फिर इसका व्यवहार में कुछ बदलाव आया है, कुछ उसको कुछ चोट पहुँची है ऐसी? नहीं, जेल में हालांकि पढ़ने लिखने के लिए सिखाया जाता है लेकिन बदलाव नहीं आता है। जेल में ऐसा होता है दिमाग लोक हो जाता है, जेल में सिर्फ बच्चे हालांकि पढ़ने के लिए सिखाता है लेकिन वो तो थ्योरी हो जाता है, व्यवहारिक मामले में एकदम गौन हो जाता है। उसमें मैंने 13-14 साल के एक 8-9 साल के लड़की थी, उनका विकास स्थिति हम देखे, एक लड़का था उनका विकास स्थिति हम देखे कि 8-9 साल के समय में जितना विकास होना चाहिए उस रूप से नहीं हो पाया था। आलोक कभी वहाँ देखे जो कुछ लड़का वहाँ थोड़ा धुरंधर है बच्चे, तो उन लोग का व्यवहार देख देख करके ये भी वहाँ से बदमाश हो गया है, ये भी मरने के लिए भीगने के लिए सीखा, जबकि बाहर में ये चीज़ नहीं कर रहा था। अब भी बोलेगा वो, किसी को मारेगा ना तो अभी भी बोलता है आलोक, मैं तो जेल से मरने के लिए सीखा। तो अभी देखिए ट्रायल में आया है, अब क्या हो रहा है क्या नहीं, वही 14 दिन में एक ये समस्या होता है कि जबकि हम लोग आर्थिक रूप से भी अभी टूट चुके, जबकि मेरे पति भी जेल में रहा 5 साल, मैं भी 6 महीना रहा, जो भी मैं काम करते करते कुछ इकट्ठा कर रहे थे तो वो भी अब चला गया, तो उसमें ये समस्या लग रहा है जैसे अभी जो फालतू का, जबकि मेरा कोई नामो निशाना नहीं था और ज़बरदस्ती वहाँ मेरा नाम डाला गया, और प्रत्येक कोर्ट प्रत्येक डे में हमको अटेंड करना पड़ेगा 14 दिन बाद, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होने जा रही है।